Question number 26-27. सीपी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे रखा है, तो सीपी को फंक्शन ऑफ टेम्परेचर रख के इंटीग्रेट कर रहा है इसमें, और कुछ नहीं। अगर आपको क्या निकालना है इसमें, कैलकुलेट द डेल्टा एच, तो डेल्टा एच का बेसिकली एक्सप्रेशन क्या होता है, इंटीग्रल T1 to T2 एन सीपी डीटी। सीपी को कांस्टेंट मानते थे तो बाहर आता था और एनसीपी डेल्टा टी लिखते थे, लेकिन अगर सीपी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे रखा है तो यहीं पर आप फंक्शन ऑफ टेम्परेचर रख दीजिए, जो एक्सप्रेशन दे रखा है सीपी का सवाल में, इंटू डीटी कीजिए, पूरा इंटीग्रेट करके टेम्परेचर को लिमिट बिठाइए, और कुछ करना ही नहीं है सवाल में। हो जाएगा 26, 27, 27, 28, ये भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्या लिखोगे एक्सप्रेशन, डेल्टा एस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल T1 to T2 एन सीपी डी टी बाई टी, क्योंकि डी एस जो होता है वो डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी होता है, और कांस्टेंट प्रेशर पे डी क्यू रिवर्सिबल डी एच के बराबर होता है, और डी एच को हम लोग लिख सकते हैं एन सीपी डी टी बाई टी, तो पहले से ही है, इसे इंटीग्रेट कर दो। यही अगर सीपी कांस्टेंट होता तो आंसर आता एन सीपी एल एन टी टू बाई टी वन, लेकिन सीपी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे रखा है तो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बिठा दीजिए। यस सर, 28, 29, 30 कर चुके हैं ऐसा सवाल क्लास में, सेमी सवाल था। 31, 32, 33 नहीं पढ़ रहा, छोड़ दो, वैसे सुने हैं कि एक लाइन का सवाल है, हम एनिमल उनिमल देख के ही हम छोड़ दिए, अजीब सा लगता है जब एनिमल अंडर क्या डेल जी निकालना। 34, टेम्परेचर एस्टिमेट द एडिशनल नॉन पीवी वर्क दैट इज ऑब्टेन्ड रेजिंग द टेम्परेचर टू 310। सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि आप इस्तेमाल कीजिए डेल्टा जी एट 298 इज इक्वल टू डेल्टा एच एट 298 माइनस टी डेल्टा एस एट 298। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप डेल्टा एस निकाल लोगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यू दे रखा है सवाल में। क्या क्या वैल्यू दे रखा है, -6333 -5737 -6333 और इधर है -5737 -298 × Δs at 298, तो Δs at 298 आपका आ जाएगा वैल्यू 5737 -6333 / 298। यहां माइनस और यहां प्लस, कितना आ रहा है 2। खैर डेल्टा एस निकाल लिया। देखो डेल्टा जी अपने आप में नॉन पीवी वर्क होता है, डेल्टा जी अपने आप में नॉन मैकेनिकल वर्क होता है, नॉन पीवी वर्क मतलब नॉन मैकेनिकल वर्क। टेम्परेचर चेंज करने से डेल्टा जी में भी चेंज आएगा, तो जो डेल्टा जी में चेंज आएगा वही नॉन पीवी वर्क में भी चेंज आएगा, एडिशनल, यही तो है ना। तो बेसिकली आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि डेल्टा जी 310 माइनस डेल्टा जी 298 कितना, ये अगर निकल गया तो यही आंसर, यही रिप्रेजेंट करेगा एडिशनल नॉन पीवी वर्क। समझ में आ रहा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि डेल्टा जी हर टेम्परेचर पे हम लोग लगा सकते हैं, डेल्टा जी एट 310 विल बी इक्वल टू डेल्टा एच एट 310 -310 डेल्टा एस एट 310, लिख सकते हैं कि नहीं। अब डेल्टा एच एट 310 विल बी इक्वल टू डेल्टा एच एट 298 प्लस डेल्टा सीपी इंटू T2 माइनस ऑफ T1। किरचॉफ्स इक्वेशन है, ये दे रखा है, निकल सकता था। डेल्टा एस एट 310 विल बी इक्वल टू डेल्टा एस एट 298 प्लस डेल्टा सीपी एल एन T2 अपॉन T1, लेकिन सवाल में दे रखा है डेल्टा सीपी जीरो,
डेल्टा सीपी जीरो माने ये टर्म तो जीरो हो गया, कहने का मतलब डेल्टा एच भी बराबर और डेल्टा एस भी बराबर, डेल्टा एच भी बराबर और डेल्टा एस भी बराबर, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो जो डेल्टा एच 298 पे गिवन है वही डेल्टा एच आपको 310 पे भी मानना है, सबट्रैक्ट कर दो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सबट्रैक्ट करो ताकि आपको ये वैल्यू मिले। जब सबट्रैक्ट कीजिएगा ये दोनों इक्वेशन 298 और 310 वाला, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो डेल्टा जी एट 310 माइनस डेल्टा जी एट 298 विल बी इक्वल टू डेल्टा एस, कॉमन ले लिए 298 पे, और टेम्परेचर कितना आएगा 298 माइनस ऑफ, ये वैल्यू निकाल चुके हो, यहां बिठा दो आंसर। क्लियर, एग्जैक्टली 24 किलो जूल पर मोल आंसर आता है। 35, 36, 37 कौन सा 36, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा, पढ़ाई लिखाई करोगे तब तो समझ में आएगा, नोट्स पढ़े हो कभी, क्लास में ऐसा सवाल नहीं किए हैं क्या यार, फिर हाँ सेकंड पार्ट, इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट इरिवर्सिबल अगेंस्ट टू एटमॉस्फियर एक्सटर्नल प्रेशर, एडियाबेटिक है, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन एन सी वी टी टू माइनस टी वन, और इधर लिखेंगे माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन, पढ़े हो ये, कब पढ़े थे तुम, तुम्हारे सवाल से ही हमको समझ में आ जा रहा है कि तुम नोट्स कभी जीवन में देखे ही नहीं हो, अचानक जोश आता है पढ़ाई करने का, पढ़ने बैठ जाते, देखे थे ऐसा सवाल नहीं किए क्या, मुझे लग रहा है कि एग्जैक्टली सेम सवाल किए क्लास में, रिवर्सिबल मान के निकाल और उसके बाद इरिवर्सिबल मान के निकाल एडियाबेटिक में, और यही काम लो आइसोथर्मल में भी कर चुके हैं, फिर कैसे डाउट आ रहा है ऐसे सवालों में। 37, दो गैस मिक्सचर सीवी ऑफ मिक्सचर निकाल लेना, एन वन सीवी वन प्लस एन टू सीवी टू डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू, सीवी निकल गया मिक्सचर का, उसके बाद नॉर्मल ट्रीटमेंट जैसे करते आ रहे हो सवाल को। 37, 38, 39 ये जितना भी है ना 36, 38, 39, 40 इस टाइप का सवाल क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 40 फिर से पूछ रहे, 40 पहला स्टेप का आंसर माइनस ऑफ पी वन वी वन एल एन ऑफ पी टू पी वन बाई पी टू, ये क्या बोल रहे हम, कौन सा वर्कडन है ये, रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्कडन, एनआरटी के बदले हम पी वन वी वन भी लिख सकते हैं, एनआरटी के बदले पी टू वी टू भी लिख सकते हैं। दूसरा स्टेप में एक ही बार में कंप्रेस कर दिया, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन, पी एक्सटर्नल दे रखा 20 बार, आंसर आएगा बार और लीटर में, उसमें 100 गुणा कर देना जूल हो जाएगा, और तीसरे बिट का आंसर पहले 10 बार रखे तो 10 इंटू वी टू माइनस वी वन प्लस, फिर 20 रखे 20 इंटू वी टू माइनस वी वन, दोनों को साइन के साथ जोड़ देना आंसर 40, 41 हाँ 42 जो सवाल है ना उसमें जो पहला 3 लाइन है उसको 41 में ले लो, 41 जब पढ़े तो हमको भी अधूरा लगा, लेकिन जब 42 देखे तो लगा कि 42 में पहला 3 लाइन बेकार दे रखा है, तो 42 में जो पहला 3 डेटा जो दे रखा है ना एक्चुअली 41 नंबर क्वेश्चन के लिए है। अब बताइए 41 सीपी सीपी ऑफ लिक्विड एंड गैस, और क्या, और कोई रीजन ही नहीं है।
Calculate the heat of vaporization of water per gram at 25 degree centigrade and 1 atmosphere pressure. डेल्टा एच एफ नॉट और डेल्टा एच एफ नॉट दोनों का दे रखा है, मैंने 25 डिग्री पे दे रखा है, डेल्टा एच वेपराइजेशन भी दे रखा है, सीपी ऑफ एच टू ओ लिक्विड, सीपी ऑफ एच टू ओ गैस भी दे रखा है, ठीक है। एच टू ओ लिक्विड से एच टू ओ गैस, ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं। इसका डेल्टा एच वैल्यू 373 पे दे रखा, 373 पे कितना दे रखा है, 40.639 किलो जूल पर मोल। कैन यू कैलकुलेट द डेल्टा एच एट 298 केल्विन, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच 373 माइनस ऑफ डेल्टा सी, सॉरी प्लस ऑफ डेल्टा सीपी इंटू टी टू माइनस ऑफ टी वन, दैट इज 298 माइनस ऑफ 373। डेल्टा सीपी क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ द गैस माइनस ऑफ सीपी ऑफ द लिक्विड, ये दोनों दे रखा है सवाल में। डेल्टा एच 298 कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर, सवाल में डेल्टा एच एफ नॉट भी गिवन है, तो डेल्टा एच एफ नॉट कितने टेम्परेचर पे डिफाइंड होता, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आप डेल्टा एच एट 298 भी निकाल सकते थे, डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ द गैस माइनस डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ द लिक्विड, ऐसे भी निकल सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी एंथैल्पी चेंज एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स होता है। क्लियर, क्यों ग्रेटर है, सीपी ऑफ गैस और सीपी ऑफ लिक्विड के कारण। क्लियर, सीपी ऑफ द लिक्विड इन जनरल इट इज ग्रेटर देन सीपी ऑफ द गैस। 42 एक अच्छा सवाल है, इसमें नॉर्मली अगर करने जाओगे तो आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये सवाल में जो लास्ट लाइन जो लिखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अज्यूम लिनियर वेरिएशन ऑफ द वॉल्यूम विथ प्रेशर, और ध्यान दे वर्ड देख, प्रेशर वॉज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 1 एटमोस्फियर टू 1001 एटमोस्फियर, द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, वर्क डन माइनस ऑफ इंटीग्रल पी डीवी से निकालेंगे, लेकिन पी क्या है, पी सीधे सीधे 1001 मत मान लेना, एक्सटर्नल प्रेशर कॉन्स्टेंट नहीं मान लेना, क्योंकि प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाया गया है, और दे रखा है कि प्रेशर वेरीज लीनियरली विथ वॉल्यूम। हम लोग मानेंगे पी विल बी इक्वल टू एम ऑफ वी प्लस ऑफ सी, लीनियर इक्वेशन, दोनों पॉइंट को बिठा के एम और सी निकाला जाएगा। पहला पॉइंट क्या है, 1000 ml और 1 बार, 1000 ml और 1 बार, 1 विल बी इक्वल टू एम इंटू 1000 प्लस ऑफ सी, और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, 1001 एटमोस्फियर एंड 990 ml, 1001 एटमोस्फियर और 990 एम प्लस ऑफ सी, सब्ट्रैक्ट कर 1000 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 10 एम, एम विल कम माइनस ऑफ 100। ध्यान रखना हम लोग कौन से यूनिट में काम कर रहे हैं, बार एमएल में, जूल में कन्वर्ट करने के लिए पहले एमएल को लीटर में 1000 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्टीमेटली जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिएगा तो जूल में आ जाएगा आंसर। क्लियर, एम निकल गया, एम बिठा यहां पर कितना आ रहा है, 1 विल बी इक्वल टू एम दैट इज माइनस ऑफ 100 इंटू 1000 प्लस सी, सी विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर 5 प्लस 1 विच इज 10 टू द पावर 5, द इक्वेशन विल बिकम पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 100 वी प्लस 10 टू द पावर 5। बिठाओ वर्क डन निकालने के लिए, माइनस ऑफ प्रेशर 10 टू द पावर 5 माइनस ऑफ 100 वी इंटू डीवी, और वॉल्यूम कहां से कहां तक वेरी किया, 1000 ml से लेकर 990 ml तक, सॉल्व करके निकालेंगे वर्क डन, और फाइनली उसको 10 से डिवाइड कर देना, जूल में आएगा आंसर, और इसमें 500 जूल आता है, करोगे 500 जूल, पीछे भले ही 501 दे रखा है लेकिन 500 जूल आ जाएगा।
और जो वर्क डन निकला वही डेल्टा यू के बराबर, क्यों एडियाबेटिक दे रखा है, क्यू जीरो, डेल्टा यू पता चल गया तो डेल्टा एच भी पता चल जाएगा। डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस ऑफ पी वन वी वन। 43, 44, 44 सवाल क्लास में किए हैं, हम कांस्टेंट बी बना के दिए थे सवाल। लेट द रियल गैस फॉलोज पीवी इज इक्वल टू आरटी प्लस बीपी। फोर्टी फाइव, 46 सवाल क्लास में किए हैं, 47, 47, 47 रिवर्सिबल पाथ से कनेक्ट करना। एक लिक्विड है ए 200 केल्विन पे, उसको वेपराइज करना है 200 केल्विन पे ही, और उसका डेल्टा एच क्या पूछ रहा है, डेल्टा एस वेपराइजेशन पूछ रहा है। तो उसको बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाना, बॉइलिंग पॉइंट उसका कितना है 300 केल्विन। तो लिक्विड ए 200 से लेकर लिक्विड ए 300 पे वेपराइज करना, उसके बाद फिर गैस जो 300 पे मिला उसको कूल करके 200 तक लेके जाएगा, है ना। रिवर्सिबल पाथ से कनेक्ट करने वाला सवाल किए है ना, बोलो डाउट है तो बोलो, बताएंगे फिर से। 48, 49, 50 पूरे एक्सरसाइज का सबसे हल्का सवाल, यही तो बात है, हल्का सवाल पकड़ में नहीं आता, सबसे हल्का सवाल। इससे पहले जो है ना कम से कम कैलकुलेशन तो है, देख के डर तो लग रहा, यहां क्या है, है? एक रिएक्शन 2NH3 N2 प्लस 3H2, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगा तो डेल्टा जी क्या होगा, जो इक्वेशन दे रखा उसमें डेल्टा जी को जीरो बिठा दे, जैसे ही जीरो बिठाओगे पी क्या आ जाएगा 3 एटमोस्फियर, और ये कौन सा प्रेशर आएगा, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि डेल्टा जी जीरो तो इक्विलिब्रियम प्रेशर देगा। ये शुरू का अमोनिया का प्रेशर कितना दे रखा है 2, इक्विलिब्रियम पे -2P, P, 3P टोटल प्रेशर 4 में से दो गया 2, 2 प्लस 2P टोटल प्रेशर कितना 3, P कितना आया आधा, P अगर आधा आ गया तो ये हो गया 1, ये हो गया हाफ, ये हो गया 3/2, KP 3/2 का होल क्यूब इंटू हाफ डिवाइडेड बाय 1 आंसर। क्लियर, क्लियर, यस सर। अगले क्लास में पूरा एक्सरसाइज 4 हम देते रहते हैं, आयनिक थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25 सवाल डिस्कस हो गया, अगले में खत्म कर देंगे डिस्कशन। एक्सरसाइज 4 कंप्लीट, मेंस एडवांस पूरा एक साथ।